Alright, hey guys, what's everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. तो guys, आ चुके हैं हम आज DTU. DTU का campus tour करने वाले बड़े अच्छे से. देखो, दिल्ली में जो भी हमारे students रहते हैं, जो भी दिल्ली reservation के हैं, उनका सपना होता है कि इस college में आए और BTech engineering करे, ठीक है? After IIT दिल्ली, DTU और NSUT, इन दो के बीच ही competition रहता है. तो इस कॉलेज का आज हम अच्छे से कैंपस टूर करने जा रहे हैं, ठीक है? कैंटीन से लेके, लेक्चर हॉल से लेके, लाइब्रेरी से लेके, प्लेसमेंट सेल, आपके प्लेग्राउंड सब कवर करेंगे, ठीक है? तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो. हम खड़े हैं अब डिपार्टमेंट्स के सामने. ये है आपके मेन डिपार्टमेंट्स DTU के, जैसे कि देख सकते हैं. यहीं पे आपकी क्लासेस होती हैं, कुछ क्लासेस होती है, कुछ आपकी लेक्चर हॉल में होती है. यहीं पे कुछ हमारी लैब्स भी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं. बाकी अंदर आपको जाके ग्लिम्स दिखाएंगे. ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा टाइटैनिक पॉइंट है, DTU का फेमस टाइटैनिक पॉइंट, ठीक है? तो चलिए एक बार आपको इनके ग्लिम्स दिखा देते हैं. तो गाइस, जो आप पीछे हमारे बिल्डिंग देख रहे हो ना, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है. ये हमारा CSE का डिपार्टमेंट है, ठीक है? तो अभी नई बिल्डिंग बनी है हमारी, है अभी इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है. शायद जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आएंगे, जो आप देख रहे हो, तो आपको शायद इनमें बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है? तो आप इस कॉलेज को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं. तो भाई, हम खड़े हैं प्रज्ञा भवन के सामने, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये एक तरीके का हमारा स्मार्ट ब्लॉक है. यहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं, तो एक बार आपको यहाँ का टूर करा देते हैं. तो गाइस, हम खड़े हैं कैंटीन के सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं. तो एक बार बता दो, कैंटीन कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे टोटल 4 कैंटीन है. एक ये मेन कैंटीन, क्या नेस्कैफे, मिकमैक और अमूल. फूल बरसाओ. तो आपको कुछ DTU की लाइब्रेरी के ग्लिम्स दिखा देते हैं. तो चलिए,
बैठे हैं DTO की लाइब्रेरी में, ठीक है। यहाँ ज़्यादा ज़ोर से आप बोल नहीं सकते क्योंकि लाइब्रेरी है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ के बुक बैंक, काफ़ी वास्ट बुक बैंक है, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट्स की यहाँ बुक देखने को मिलेगी आपको। बाकी बात करें यहाँ के साइज़ की, तो दो फ्लोर की हमारी बिल्डिंग है, राउंड शेप में ये लाइक स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग का, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड AC मिल जाएगा आपको, प्लस यहाँ पे वाईफाई मिल जाएगा। अपने आप जो लैपटॉप होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, वो कैरी कर सकते हैं। अपनी नोटबुक, नॉट एक्सटर्नल बुक, सिर्फ नोटबुक आप कैरी कर सकते हैं। और बाकी जो हमारी वाटर बॉटल हो गई, वो हो गया। तो चलिए चलते हैं प्लेग्राउंड की तरफ। हम खड़े हैं DTU के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने, ठीक है। आप देख सकते हैं पीछे हमारा पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इंडोर आउटडोर दोनों कवर करेंगे। इंडोर में तो हमारा बैडमिंटन हो गया, आपका टेबल टेनिस हो गया, और बाकी आउटडोर में क्रिकेट, आपका लॉन टेनिस, आपका फुटबॉल सब कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। खड़े हैं राज सोइन हॉल में, जो कि अभी नया नया बना है। एक बार आप दिखा दीजिए प्लीज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं बैडमिंटन के कोर्ट्स रेडी हो रखे हैं, 4 कोर्ट्स आपको दिख रहे होंगे नीचे। तो यहाँ पे आपका अपना वही कॉम्पिटिशन वगैरह होंगे मे बी, मेरे हिसाब से अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम खड़े हैं बॉयज़ हॉस्टल के सामने, ठीक है। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, दिल्ली कैंडिडेट्स को नहीं मिलता हॉस्टल। स्टार्टिंग में तो उम्मीद मत रखना कि आपको मिलेगा, सिर्फ आउटसाइड दिल्ली वालों को मिलता है। हाँ ये है कि 2-3 सीटें अगर बच गई तो मिल जाएगा, बाकी आपका सेकंड ईयर में चांस होता है कि आपको हॉस्टल मिल जाए, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। आपको वाईफाई मिल जाएगा, फिर बाकी लॉन्ड्री वगैरह आपको मिल जाएगी, बीच में आपका कॉमन एरिया होगा वो सब आपको मिल जाएगा। AC आपका नहीं है यहाँ पे, अपना कूलर लगा सकते हैं जैसे कि बच्चों ने लगाया हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ आपकी यहाँ सारी कवर हो जाती है, ठीक है। बाकी अंदर हम एंट्री नहीं ले सकते, आप यहीं से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम खड़े हैं BR ऑडी के सामने, ठीक है। यहाँ पे हमारी इंडोर कल्चरल एक्टिविटीज होती है सारी, आपको ग्लिम्स आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो भाई अपन लोग कॉन्सर्ट देखने आए हैं, सारा डांस शो देखने आए हैं। कैसा लग रहा है भाई डांस शो? डांस शो बढ़िया लग रहा है, बाकी अभी चालू होने वाला सरदारों का डांस। तो भाई चलो देखते हैं भाई डांस, आपको भी दिखाएंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये DTU की पार्किंग है, एक बार पार्किंग जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टाफ की पार्किंग ही हो, अंदर हमारे स्टूडेंट्स की भी पार्किंग हो सकती है। दिखा देते हैं एक बार आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं पार्किंग सभी के लिए है।
इसी के साथ हमारा DTU कैंपस टूर खत्म होता है, ठीक है। हर एक ग्लिम्स आपको अच्छे से देखने को मिल गए होंगे। देखो DTU का अगर मैं थोड़े मतलब इसका रिव्यू करूँ मैं थोड़ा सा, तो देखो प्लेसमेंट वाइज काफ़ी अच्छा है। पहले लोग ये कहते थे कि यहाँ की कॉलेज लाइफ चिल है, बट लेकिन अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ गई है। पहले आप लोग लाइक इजीली अंदर कुछ भी कर सकते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। पहले हॉस्टल में भी आप अलाउड थे जाने, मतलब आउटसाइडर्स अलाउड थे, अब वो भी नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब अच्छी बात है अगर यहाँ पे डिसिप्लिन थोड़ा इंक्रीज हो गया है। तो प्लेसमेंट मैंने बता दिया काफ़ी अच्छी है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो एक समयपुर बदली है और एक रिठाल है, दोनों से अराउंड 2-3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ई रिक्शा आपको करना पड़ेगा। बाकी जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हमारे मतलब इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो विज़िट कर सकते हैं इस कॉलेज में। बहुत सारे पेरेंट्स अभी आ रहे हैं, मतलब विज़िट कर रहे हैं कैंपस को, तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए, अगर फिर भी कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा आईडी दे रखा है मैंने, कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ जाके डाउट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, टिल देन बाय।